कर्मचारियों से कुछ वायदे किए थे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का सवाल था, ठेका प्रथा खत्म करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल था, और जो हमारे पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने का सवाल था। ऐसा करने की बजाय आज प्रदेश की सरकार प्री मेच्योर रिटायरमेंट के नाम पर जबरन रिटायरमेंट का षड्यंत्र रच रही है। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज फरीदाबाद में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को उनकी 21 सूत्रीय मांगों को पूरा करना चाहिए। उनके मुताबिक वे चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए और ठेके पर लगे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। वहीं कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि जिन कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है उन्हें तुरंत प्रभाव से वेतन दिया जाए। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जो कृषि कानूनों की बात सरकार करती है कि बिचौलिया आड़तिया खत्म कर दिया, ये ठेकेदार क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं? ये बिचौलिया नहीं है क्या? इन ठेकेदारों को बीच में से हटाना चाहिए और डायरेक्ट कर्मचारियों को रोल पर ला करके समान काम समान वेतन सेवा सुरक्षा का लाभ उनको देना चाहिए। पंजाब के समान वेतन मान का वायदा किया था, आज हमारे लगभग 15,000 से ज़्यादा कम वेतन में काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस का कर्मचारी है चाहे बिजली का कर्मचारी है, पंजाब के अगर तुलना हम करते हैं तो। लेकिन सरकार उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो इस बजट सेशन में हमारी मांग मुद्दों को उठाया जाए। हमारा किसी व्यक्तिगत MLA के खिलाफ कोई कार्रवाई का वो नहीं है। हम प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि 1.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे आपने ये कहा था कि हम इन इन कर्मचारियों की मांगों का समाधान करेंगे। ऐसा करने की बजाय बिजली है, नगर निगम है, हेल्थ है, टूरिज्म है, 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही टूरिज्म के, भाषण तो बड़े बड़े चल रहे हैं। हम सभी विधायकों को, प्रदेश के 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं और ये करें जो बजट सेशन स्टार्ट होगा इसमें कर्मचारियों के मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत किसी का नहीं है। अब तक प्रदेश में हम लगभग 70 MLA को मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं और यहाँ नीरज शर्मा को, अब गुप्ता जी को और इसके बाद में मंत्री अपने पंडित मूलचंद शर्मा जी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। जहां आज 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन कर अपना मांग पत्र सौंपा, वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे मार्च में सभी मंत्रियों के घर पर प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को कब तक पूरा करती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।